हेलो चैंपियंस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं आ, दोस्तों आज हम लोग ना चैप्टर वन जो हमारा है जोग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का उसका हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लैंड रिसोर्सेज लैंड रिसोर्सेज दोस्तों लैंड हम ह्यूम्स की लाइफ में क्या रोल प्ले करता है या इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इसको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी लैंड एज ए रिसोर्स की इंपॉर्टेंस से वेल अवेयर हैं आइए देखते हैं कुछ इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ इज लैंड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स ये टू मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो लैंड एज ए रिसोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है लेट अस हैव अ लुक आइए देखते हैं सो वी लिव ऑन लैंड सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि वी लिव ऑन लैंड वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज विदर एग्रीकल्चर हो या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री हो मार्केट्स हो मॉल्स हो कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो सारे के सारे हम लैंड से ही ऑपरेट करते हैं चाहे एयरपोर्ट्स हो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स एंड वी यूज इट डिफरेंट वेज लैंड के डिफरेंट यूजेस हैं अलग अलग यूजेस हैं क्या क्या यूजेस है एक बार नजर मारते हैं ट्रांसपोर्ट चाहे रेलवेज हो चाहे रोडवेज हो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया चाहे एयरपोर्ट हो इवन पोर्ट्स यू नो बैंक्स पे लैंड ही तो होती है जहां से लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है यू नो शिप्स पे तो एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने देखा राइट right? उसके बाद चाहे हमारे वाइल्ड लाइफ हो चाहे फॉरेस्ट हो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के लिए भी हमें लैंड एज ए रिसोर्स की जरूरत पड़ती है हमारे हाउसेस लैंड पे ही बिल्ड होते हैं बताने की जरूरत नहीं है तो बेसिकली लैंड एज ए रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन वी हैव ऑलरेडी सीन हियर वाइल्ड लाइफ ह्यूमन लाइफ इन मेनी वेज वी डिपेंड ऑन लैंड इन लॉट ऑफ वेज वी ऑल नो दैट नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेदर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज हो मार्केट हो मॉल्स हो एग्रीकल्चर हो और एनी अदर एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम सब जो सिग्नल के लिए टावर्स आपके नेबरहुड में जरूर होंगे आप लोगों ने देखा होगा ताकि सिग्नल्स प्रॉपरली आए राइट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम सो ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि लैंड हम लोगों की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब पॉइंट से यह प्रूव होता है या ये क्लियर हो जाता है कि लैंड एज ए रिसोर्स हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर अब लैंड एज ए रिसोर्स हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि लैंड रिसोर्स को जो कि फाइनाइट क्वांटिटी में अवेलेबल है लैंड रिसोर्स को बहुत ही केयरफुल तरीके से प्लैंड वे में या जुडिशियस यूज ऑफ लैंड करना होगा सो so दैट ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे लिए लंबे समय तक फ्यूचर इवन हम लोगों के लिए भी और फ्यूचर जेनरेशन के लिए भी ये अवेलेबल रहे तो दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है लैंड नेक्स्ट स्लाइड देखते हम लोग नेक्स्ट में हमारे एनसीईआरटी के की पैराग्राफ में यही लिखा है कि हाउ एवर लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड मीन्स ये लैंड जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है देयर फॉर इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज विद केयरफुल प्लानिंग राइट लैंड रिसोर्स को हमें केयरफुल प्लानिंग करके ही यूज करना होगा सो so दैट ये जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो डिग्रेड ना हो जाए वेस्ट ना हो जाए नाउ जो टोटल लैंड अवेलेबल है हमारी कंट्री इंडिया में उसको हम चार रिलीफ फीचर्स मेनली तीन तो है बट चौथा भी है चार रिलीफ फीचर्स में हम लोग इसे देख सकते हैं हम सारे लोग प्लेन से अवेयर हैं प्लेन्स से वो उड़ने वाला प्लेन नहीं प्लेन लैंड से अवेयर है राइट नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्लेन्स हैं हमारे दूसरा जो रिलीफ फीचर्स है वो माउंटेन mountain है माउंटेन से भी हम सारे अवेयर हैं हम लोग हिमाचल लद्दाख विजिट करते हैं देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं तो पहला हो गया हमारा प्लेन दूसरा हो गया हमारा माउंटेन तीसरा हमारा प्लेट्यू डेकन प्लेट्यू आप लोग जोग्राफी में प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा उसके बाद एक चौथा लैंडफॉर्म है हमारा आईलैंड so, इंडिया में जो टोटल लैंड अवेलेबल है वो फोर में अवेलेबल है फोर रिलीफ फीचर्स बोलेंगे बेसिकली जो टोटल लैंड अवेलेबल है इंडिया की वो फोर रिलीफ फीचर्स में अवेलेबल है तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा रिलीफ फीचर यानी प्लेन माउंटेन प्लेट्यू एंड आई आईलैंड कितने परसेंटेज में फैला हुआ है क्या उसका एक्स, एक्सपेंस है एंड uh, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को कंफर्टेबल एंड हमारी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आइए देखते हैं तो इंडिया हैज लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स इसको रिलीफ फीचर बोलते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा रिलीफ फीचर का एग्जाम्पल क्या होता है अगेन हम लोग रिविजन करते हैं रिलीफ फीचर का मतलब होता है प्लेन माउंटेन प्लेट्यू एंड आईलैंड नेमली जैसे इसमें दिया भी है माउंटेन्स हो गया प्लेट्यूज हो गया प्लेन्स हो गया एंड आईलैंड हो गया तो सबसे पहले हमारी कंट्री में जो लैंड फॉर्म्स है जो रिलीफ फीचर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या अवेलेबल है प्लेन प्लेन टोटल अवेलेबल लैंड का 43 परसेंट है राइट right? और प्लेन्स हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है प्लेन्स पे हम प्लेन लैंड पे हम एग्रीकल्चर करते हैं एंड फैक्ट्रीज इस्टैब्लिश करते हैं अब आप कहोगे कि सर फैक्ट्रीज तो हम माउंटेन्स में भी इस्टैब्लिश कर सकते हैं बट उसकी बहुत वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल आइडिया होगा क्योंकि अगर हम फैक्ट्रीज माउंटेनियस एरिया में स्टैब्लिश करने करना चाहें तो हो जाएगा बट बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा बहुत ही हायर कॉस्ट आएगी एफिशेंसी बहुत कम होगी क्योंकि यू you नो know, वहाँ पे गुड रोड्स नहीं होती देन रॉ मटेरियल वहाँ ले जाना जहाँ पे गुड रोड नहीं है तो ये समझदारी भरा काम नहीं है फिर जो फिनिश्ड गुड होगा उस पे फैक्ट्री में एंड आप लोग जानते हैं कि प्लेन्स जो होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं तो आफ्टर ऑल जो फिनिश्ड गुड होगा फैक्ट्रीज़ में आना तो प्लेन्स में ही होगा तो फिर हम माउंटेन में फैक्ट्री लगाने क्यों जाएंगे क्योंकि ढेर सारे प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं वो एक तरीके से बहुत ही आ, मुश्किल भरा काम हो जाता है इन कंपेरिजन टू यू नो एस्टैब्लिशिंग

फोर्टी थ्री परसेंट हमारे पास प्लेन लैंड है दूसरा क्या आता है माउंटेन्स आइए देखते हैं कि माउंटेन्स कितने परसेंटेज अवेलेबल है रिलीफ फीचर टोटल लैंड का माउंटेन थर्टी परसेंट अवेलेबल है माउंटेन्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है माउंटेन्स भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने प्लेन्स प्लेन्स में जो फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं या जो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं इन तो जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जैसा कि हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं राइट right? तो जो रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं माउंटेन्स से हालांकि ढेर सारी रिवर्स माउंटेन से ओरिजिनेट करते हैं हम लोग केवल दो रिवर्स का नाम लेंगे रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र तो थ्रू आउट द ईयर जो ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर बना रहता है तो फार्मर्स को भी अवेलेबल होता है हाउस होल्ड के लिए भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए अवेलेबल होता है फैक्ट्रीज़ को भी वाटर की सप्लाई होती है पावर जनरेशन भी होता है तो इससे इस तरीके से माउंटेन जो है हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है आइए देखते हैं और भी से हमारे आ, कुछ और भी फायदे होते हैं वो कौन कौन से हैं सो so, पहला हम लोगों ने अभी डिस्कस किया इंश्योर पेरेनियल पेरेनियल मीन्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रिवर वाटर दूसरा प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पहले हम लोग टूरिज्म को डिस्कस करते हैं रिवर गंगा है आप जानते हैं रिवर गंगा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा महाकुंभ मेले का आयोजन होता है चाहे वो प्रयागराज में हो चाहे वो हरिद्वार में हो और भी कई जगहों पे होता है तो रिवर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एज एट एंड जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो टूरिस्ट फ्रॉम एब्रॉड थ्रू आउट द वर्ल्ड कम एंड सी दिस ग्रेट इवेंट तो इस तरीके से हमने देखा कि माउंटेन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टूरिज्म में भी और जो इसका इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है देखिए एक्चुअली ऐसा है कि प्लेन्स को तो हमने बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रखा है लेकिन माउंटेन्स आज भी इन कंपेरिजन टू प्लेन्स वो आज भी लेस पॉल्यूटेड हैं वहां पर जो वेजिटेशन है वहां पर जो एनिमल्स हैं वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो लेस पॉल्यूटेड है तो एक तरीके से हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको वो बढ़ा के रखते हैं माउंटेंस डिफिकल्ट टेरेन होता है ना इसलिए हम वहाँ जा करके कम गंदगी करते हैं या सब तो जाते ही नहीं जो भी जाते हैं वहां पर इन कंपेरिजन टू प्लेन्स माउंटेन्स पर जो गंदगी हम लोगों ने मचाई है वो काफ़ी कम मचाई है डिफिकल्ट टेरेन होने की वजह से राइट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लेट्यूज का आप लोगों ने डेकन प्लेट्यूथ के बारे में पढ़ा हुआ है डेकन प्लेट्यूस एक प्लेट्यूथ का एग्जांपल है लेकिन जो टोटल लैंड मास है टोटल लैंड मास का 27 परसेंट हमारे पास प्लेट्यूज है और ये प्लेट्यूज भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है लाइक प्लेन्स एंड माउंटेन्स कैसे आइए देखते हैं सो अबाउट अबाउट 27 ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री ज द प्लेट्यूज एंड प्लेट्यू रिजन रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट सो प्लेट्यूज क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है मिनरल मिलता है एंड इसमें प्लेट्यूज में फॉरेस्ट भी होते हैं प्लेट्यूज कितना है टोटल लैंड मार्क्स का ट्वेंटी सेवन परसेंट यहां पर हम लिख लेते हैं प्लेट्यूज जो है टोटल लैंड एरिया का 27% परसेंट है हमारी कंट्री में एंड माउंटेन्स कितने हैं 30% परसेंट थर्टी परसेंट माउंटेन्स हम लोगों से ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आइए डिस्कस करते हैं मिनरल्स आप जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या क्या मिलता है बॉक्साइट मिलता है राइट right? मीका मिलता है और भी ढेर सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं छोटा नागपुर से उसके बाद फॉसिल फ्यूल जो हमारा प्लेट्यू है टोटल लैंड मास का 27 सेवन परसेंट प्लेट्यूज में फॉसिल एंड पेट्रोल भी मिलता है राइट एंड अगला है हमारा फॉरेस्ट तो हम लोगों ने फॉरेस्ट क्या रोल प्ले करते हैं हम ह्यूम्स की लाइफ में वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कि आज लैंड एज अ रिसोर्स का पहला टॉपिक पढ़ा है विच इज लैंड एज अ वेरियस रिलीफ फीचर्स और इस पे देखते हैं कि आज कौन इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे क्वेश्चन हमारा बनेगा डिस्क्राइब द वेरियस रिलीफ फीचर्स फाउंड इन इंडिया तो वेरियस रिलीफ फीचर्स फाउंड इन इंडिया क्या क्या हो गया हमारा प्लेन <coughs> हो गया माउंटेन हो गया प्लेट्यूड हो गया आइलैंड हो गया सो so, क्वेश्चन क्या बनेगा डिस्क्राइब द वेरियस रिलीफ फीचर्स अवेलेबल और फाउंड इन इंडिया एंड वाट इंपॉर्टेंट रोल डू दे प्ले इन आर लाइफ तो ये दो या तीन नंबर का क्वेश्चन हो गया डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम इसे आंसर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों थैंक यू सो मच Gracias.